खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, आरएनके केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन आरके होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, हमारा नंबर 9644960504। राय नारायण दादा, गिनती उल्टी चालू हो गई है, 6 दिन बचे हैं, जितना उछलना कूदना कूद ले भाई बुढ़ापे, अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। राय नारायण सिंह जी, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि जैसे बेटा निपटा, बाप को भी निपटा के हवेली पहुंचा देंगे और हवेली भी खत्म कर देंगे हम। अभी मेरे को पुर्नी सेक्टर दिया गया, मानदाता दिया गया, मैं जब पुर्नी सेक्टर का दौरा कर रहा था, 20-25 गांवों का मैंने वहां पे दौरा करा, तो जब मैं वहां से निकल रहा था तो एक कार्यकर्ता बोले, भैया राय नारायण दादा की हवेली है, बोले उसकी दीवार गिर गई। तो मैंने दीवार की तरफ देखा तो वाकई में आप भी जाके देख सकते हो, दीवार गिर गई दादा की पिछले चुनाव में, और अभी निपटा दो तो उसके मैं जवान दिख रहे हूँ, 70 का नहीं हूँ तो 40 का ही हूँ, उत्तम पाल बन गया वो। अरे दादा, तुम्हारे बाल काले होने से क्या उम्र झुक जाएगी तुम्हारी दादा, तुम जिस जाओगे सुना। अरे दादा, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तुमको घर पहुंचाए बगैर ये शांति नहीं पकड़ेगा। 30 तारीख को 5 बजे ये तुमको घर पहुंचाएगा, ढोलक बजाएगा, फिर ये घर जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। यहाँ के कांग्रेसी इनको खुद निपटा देंगे, क्यों तुम चिंता करते हो, वो चिंता करने की जरूरत ही नहीं आप लोगों को ज्यादा। भार भार के कार्यकर्ता लिया है इन्होंने, उनको मालूम ही नहीं कि कौन किसको कहां बैठाना है, किसको क्या करना है। तो एक कांग्रेसी में से बोले पहलवान, भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी मां। तो बोले, बाप कौन? मैंने बोला, देख सुन भाई, भारतीय जनता पार्टी हमारी मां, तो ये जनता हमारी बाप है। हम किसके पास जाते हैं? ये जनता के पास जाते हैं। हम किसके पास हाथ जोड़ते हैं? जनता के पास हाथ जोड़ते हैं। अभी जावर के अंदर में एक नेता को बुला लिया इन्होंने, बॉडी बिल्डर को, मऊ का है, कहाँ का है वो, उधर का राव का। अरे उसको पता नहीं है, बॉडी बिल्डर की जरूरत नहीं, यहाँ पहलवानों का इलाका है दादा, पहलवानी चलती है यहाँ। तो ऐसे कई बॉडी बिल्डर आते और जाते हैं, हम तो पहलवान ढेर हैं, शुद्ध देसी पहलवान, दूध घी खाने वाले। कांग्रेस बोले, हम जीतेंगे। अरे मैंने बोला, भारतीय जनता पार्टी का केडर है तुम्हारा क्या है? वो दादा बाप बेटा दोनों ही घूम रहे, अकेले घूम रहे, बाप इधर जा रहा, बेटा उधर जा रहा। आज तो दिग्गी राजा आ गए, अब दिग्गी राजा की कहानी शुरू करता हूँ भैया। अरे 97 में जब हुकुम चंद जी यादव चुनाव जीते, जीतने के बाद वो दिग्विजय सिंह जी के पास गए, दिग्विजय सिंह जी मेरी खंडवा की जनता को आप नर्मदा का पानी पिला दो। तो दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा, पहलवान मेरी बात को बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों। बोले, पहलवान कहां की पानी की बात कर रहा, जिसको पानी चाहिए वो नर्मदा किनारे जाके बच जाए। दिग्विजय सिंह के शब्द थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, वो आए हो तो जाके पूछ लेना, दादा तुमने ऐसा बोला था कि नहीं बोला था दिग्विजय सिंह जी। पहलवान को बात तो दिल में ठहर गई, ठहरा पहलवान इंसान।
दिमाग से तो सोचता नहीं है, दिल से सोचते हैं पहलवान लोग। पहलवान ने सोच लिया मेरी खंडवा की जनता को मैं नर्मदा का पानी नहीं पिला दूं जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और जब 2008 के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तीन में बनी, तो जब से उनके दिमाग में लग गया कि मेरी खंडवा की जनता को मुझे पानी पिलाना है। शिवराज जी ने बोला पहलवान कुछ भी हो जाए तेरे कार्यकाल का मैं फत्ता लगा के जाऊंगा। उनके कार्यकाल में उन्होंने फत्ता लगा के गया, उसका उद्घाटन उन्होंने करके गया, ये खंडवा के लिए बहुत बड़ी बात। अभी मैं आते आते पोस्टर देख रहा था, राय नारायण दादा का पोस्टर लगा था पड़ावा पे कॉलेज के सामने। मैं रुक गया, मैंने बोला देखू दादा क्या क्या बोल रहा है भाई, आज तक नहीं बोला, मैं भी सुन लूं देख लूं समझ लूं क्या बोल रहा है, फिर भाषण में बोलना तो पड़ेगा ना, बगैर बोले मजा भी नहीं आए। बोले किशोर कुमार का स्मारक बनाया जाए क्या, बोले खरीदा जाए क्या है ये इनका किशोर दादा का अपने मकान। अरे दादा तू ही खरीद ले, उसको लड़कों से डीलिंग कर रहे पास, तू 200-300 करोड़ का आसाम है, खरीद ले तू दादा बना दे। बोल दे खंडवा की जनता को खड़े रह कि मैं खरीदूंगा 15-20 करोड़ रुपए का, खरीद के बना दे, क्या दिक्कत है भाई। नर्मदा जल की बात लिखते, अरे दादा दिग्विजय सिंह जी आया, उनसे पूछ तो लो कि दादा तुमने तो मना कर दिया था कि पानी नहीं, पहलवान जिसको जाइए किनारे बच जा उससे दादा हाथ पूछ लेना, मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है राजनारायण दादा, और तुम पानी की बात करते हो। अरे खंडवा की जनता का भी प्यासी नहीं रहेगी, हुकुमचंद यादव का आशीर्वाद इस खंडवा की जनता को।